हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइन विथ निधि में। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है श्रीलंकन कुट्टू रोटी इन वेज स्टाइल, इंडियन स्टाइल और वेज वर्जन। तो श्रीलंका में ये जो डिश है बहुत ही फेमस है, स्ट्रीट फूड की तरह है और वहाँ लोग खाते हैं, तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए जल्दी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए 3 4 चपाती ले ली है गेहूं वाली, मैंने गेहूं की बनाई है। वहाँ पे ये लोग मैदा इसमें यूज करते हैं, ऑल पर्पस फ्लोर। एंड इसको मैं काट लूंगी ऐसे रोल करके, जैसे मैं कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे काटना है। तो यहाँ पे मैंने 3 4 4 चपाती की यूज करी है, 4 चपाती यूज करी है और ये फ्रेशली मेड है। आप चाहे तो कभी भी बना करके, या तो ताजे बना करके डाल सकते हैं, या फिर बनी हुई बची जाती है जो रोटी बना खाने की वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए जैसे मैं रोल करके इसको कट कर रही हूँ, ऐसे इसको कट करना है। और ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट भी है। आप चाहे तो डिनर की तरह खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट की तरह खा सकते हैं, और जो लोग वजन के लिए डाइट कर रहे हैं, वेट कॉन्शियस हैं, उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत बेस्ट है। तो अब काट लिया मैंने। यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाला है, क्योंकि देसी घी जो है वो रोटी बनाने के, इसमें रोटी के साथ अच्छी लगती है इसलिए। एंड उसमें थोड़ा सा हरा मिर्चा काट करके डाल दिया है, एंड एक मीडियम साइज का प्याज इसमें फ्राई करी है मैंने डाल करके। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इन प्याज को फ्राई करना है। इसके बाद मैं डालूंगी सब्जियाँ। तो सब्जियों मैंने यहाँ पे जो यूज किया है उसमें बीन्स लिया है, ब्रोकली ली है, स्वीट कॉर्न लिया है, एंड कैबेज, पत्ता गोभी, बंधा गोभी एंड गाजर लिया है। आप यहाँ पे अपने चॉइस की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बीन्स, ब्रोकली एंड स्वीट कॉर्न, प्याज डाल करके इनको मैं फ्राई करूँगी। इन सबको एक साथ इसलिए डाल दिया है क्योंकि ब्रोकली जो है थोड़ी सी मोटे पीस में है, बीन्स भी है थोड़ी देर से पकती है, एंड स्वीट कॉर्न भी। तो इन सबको एक साथ डाल करके मैंने इसको चला दिया है, एंड ये धीरे धीरे पकता भी रहेगा एंड फ्राई भी होता रहेगा, तो इसलिए मैंने सबको एक साथ डाल दिया। अब इसके बाद ये थोड़ा पक गए। अब मैंने इसमें क्या किया, जो पत्ता गोभी थी उसको डाल दिया, उसको भी फाइनली चॉप किया है, और गाजर को कद्दूकस करके डाला है। तो आप भी ऐसे ही डाल दें जो भी सब्जियां, अगर ये सब सब्जियां पसंद है तो इसको ले सकते हैं। और अगर आपको मटर, बीन्स या फिर टमाटर या फिर और भी, अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं हरी, उन सब में से किसी भी ऑप्शन को आप ले सकते हैं एंड ऐसे फ्राई। तो सब्जियों को ऐसे अच्छे से फ्राई करना है, कुक करना है और इसको ढक देना है ताकि ये कुछ पक जाए, एंड तब इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले। मसाले में कुछ ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे जीरा धनिया ऐसा कुछ यूज किया है, यहाँ पे मैंने जो चाट मसाले होते हैं वो सब का यूज किया। तो देखिए इसको थोड़ा और पकाऊंगी मैं ढक के, अच्छे से चला दिया मैंने, थोड़ा सा अभी कच्चा सा दिख रहा है। जब हाफ कुक हो जाता है तब हम इसमें डालेंगे। तो इसको मैं थोड़ा ढक देती हूँ अभी, एंड उसके बाद 5 से 6 मिनट तक इसको पकाएंगे, एंड अब डालेंगे हम इसमें मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ पे क्या किया है कि चाट मसाला डालूंगी मैं 1 चम्मच के अप्रॉक्स में। एंड देखिए अच्छे से पक गया ना, दिख रहा है अच्छा पका हुआ। एंड देखिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार आप अपने भी डाल दें। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैंने भुना जीरा का पाउडर डाला है, कच्चा जीरा नहीं, एंड थोड़ी सी हल्दी। एंड अब इन सबको एक साथ मिक्स करूँगी एंड फिर ढक दूंगी ताकि जो भी थोड़ी सी ब्रोकली है और बीन्स है ये सब थोड़े अभी आधे पके हैं, ये सब अच्छे से पक जाए। तो अच्छे से इसको चला दें एंड पका दें। तो इतनी सारी जो वेजिटेबल्स इसमें यूज हो रहे हैं इसी वजह से ये हेल्दी हो जाता है खाने के लिए। एंड एक्चुअली जो लोग डाइट करते हैं वो लोग सब्जियों वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, और कम तेल में बनाते हैं और हाफ कुक्ड होता है मैक्सिमम टाइम, वो बॉयल ही खाते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये वजन के लिए भी, जो वेट वॉचर्स हैं उनके लिए ये अच्छा रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए ये पक गया है ऑलमोस्ट, इसको मैं चला देती हूँ, थोड़ा और दिखा देती हूँ क्लोजअप। ये देखिए सारी सब्जी लगभग पक गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो रोटी कट के काट करके रखी थी, ये देखिए तो ये डाल दिया। तो इतनी क्वांटिटी इसकी ज्यादा हो गई सब्जियों की वजह से, तो 4 रोटी मैंने डाली, इतनी सारी सब्जियां आया, तो इसमें लगभग मैक्सिमम 2 लोग और मिनिमम 3 लोग तो खा ही लेंगे। तो इस वजह से ये हेल्दी भी हो जाता है, वेट कॉन्शियस लोगों के लिए जो लोग डाइट करें उस पर्पज से भी अच्छा है ये, एंड टेस्टी तो है ही है, टेस्ट का तो कोई बात ही नहीं है इसके लिए। तो
यहाँ ये जो मैंने खाया था श्रीलंका में, वहाँ पे लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही हैं। लोग आजकल वेगन रेसिपी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने वेगन वाला लिया था। बट यहाँ वहाँ पे ये नॉन वेज जब बनाते हैं तो उसमें चिकन एग वगैरह सब डालते हैं, और ये वहाँ की फेमस रोटी है। उसमें जो रोटी काटते हैं ना, उनका तरीका काफ़ी अलग है, बहुत ही अलग तरीके से काटते हैं। इतने तेज काटते हैं तवे पे रख के कि बहुत ही ज्यादा आवाज करती है। ये जब रेसिपी बनती है तो आपको 3 4 घर छोड़ के भी आवाज आएगी, इतनी तेज इसको कटिंग करते हैं। तो ये मैंने नॉर्मली इंडियन स्टाइल में बनाया है, इसलिए आप इसको ट्राई करिएगा जरूर। तो ये लगभग हो गई है, अब मैं इसको थोड़ा ढक दूंगी, और इसमें जो वेपर है वो उससे क्या होगा, रोटी सॉफ्ट हो जाएगी। काफी अच्छी बन गई है, लगभग मेरी रेसिपी रेडी है। अब मैं इसको बंद कर करके और इसको सर्व करूंगी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार, और जो कभी कभी रोटी बच जाती है ना, उसके लिए भी ये ऑप्शन अच्छा है। आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हो, कोई भी खा सकता है। ये देखिए, टेस्टी इंडियन स्टाइल श्रीलंकन कुट्टू रोटी रेडी है सर्व करने के लिए। मैं सर्व कर रही हूँ, और आप इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक तो जरूर ही कीजिएगा इस वीडियो को, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी है। एंड अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।